हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। लेकिन आज मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि अचानक से शिवाय हो गए बीमार। तो शिवाय को डॉक्टर पे दिखाने गए, दिखाने के बाद डॉक्टर ने इतनी ढेर सारी जांचें लिख दी हैं। तो ये देखिए, शिवाय एकदम रो नहीं रहे हैं और यहाँ पर ना ब्लड निकलवा रहे हैं। तो एक जांच जो है आज हो जाएगी और एक होगी थर्सडे को। तो मतलब लेट हो गए थे, तो बोले कि एक हफ्ते के बाद होगी। और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर थोड़ा सा फल वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि शिवाय के ना कुछ कमियाँ निकली हैं। कमियाँ ये कि शिवाय मेरे ना बहुत मिट्टी खाते हैं, तो वही कैल्शियम की कमी, डॉक्टर बोल रहे थे कि आयरन की कमी, ये सब कुछ हो गया है। और फीवर ना इधर कई दिन से छोड़ नहीं रहा, इतना तेज तेज फीवर चढ़ रहा है। तो वो तो शायद क्या है, वायरल है। और घर आते आते ना सब्जी उब्जी ली, फल वल ली, और घर आते आते ना थोड़ा सा बच गए थे, वही 2-2.5 के लगभग टाइम हो गए। क्योंकि हम लोग को ना हॉस्पिटल में ही 1 बज गए थे, मतलब आप समझ सकते हैं कि रेलवे में गए थे हम लोग दिखाने। तो थोड़ा होता है ना सरकारी में इधर का उधर, और मेरे को खुद को भी दिखाना था। तो मैं आप सबको ये ना जलेबियाँ दिखा रही थी, पता क्यों? क्योंकि मैंने ना आयुर्वेदिक में ही अपना थोड़ा सर दर्द का दवा चालू की है, दिखाया है डॉक्टर को। तो डॉक्टर बोले एकदम खाली पेट सुबह सुबह आपको जो है खानी है 2 जलेबियाँ, तो उससे क्या है सर दर्द में आराम मिलेगी। और बस खाना वाना में कुछ भी मैं बना के नहीं जा पाई थी, सुबह में बस थोड़ा सा नाश्ता किया था जो बच्चों को बनाया था वही, और बस चली गई थी सीधे सीधे हॉस्पिटल ही, भागी भागी गई पहले, क्योंकि शिवाय एकदम परेशान था बहुत ज़्यादा। तो लगा कि जल्दी उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो शिवाय लौट के आई 2:30 बजे, बस समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो बस सिंपल सी खिचड़ी ही बनाई, और खिचड़ी और रायता बस, तो वही हम लोगों ने आज दोपहर के खाने में खाया। और इतनी ढेर सारी सब्जियाँ वगैरह लेकर के आए थे, तो उनको चुन चुन के पूरा साफ करके रखना था, तो वही सब मैं काम कर रही थी। और आज पता है जाना था, बच्चे देखे खाना खा रहे हैं, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल से आए हैं, चेंज वेंज किया है बस। और मैं ले आई हूँ बहुत सारे फल, तो मतलब वही अनार वगैरह सब लेके आई हूँ कि शिवाय को खिलाया जाएगा किसी तरह। मतलब डॉक्टर ने बोला कि खजूर और ये सब चीज़ें, तो मुझे लगता है सभी के बच्चों का ये रहता है कि जब तक वो छोटे रहते हैं ना 5 साल तक, तो बड़ा खाने का इशू रहता है, बच्चे एकदम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उनके पीछे पीछे भाग के करना ही पड़ता है। देख सकते हैं आरवी मेरी ना कितना खाना बर्बाद करने जा रही थी थाली रखने, तो मैंने उसको डांट के खिलाया है। और मेरी इनसे हो रही थी बहस, क्योंकि ना ये कह रहे थे जाओ काव्या को छोड़ के आओ ट्यूशन, और मेरे सामने इतना मेरे को काम दिखाई दे रहा था, तो मुझे यही लग रहा था अगर ये ट्यूशन चले जाएंगे छोड़ने, तो मैं ये सारे काम निपटा लूँगी। और 4 बजे ना आज मुझे जाना है भजन में, मंदिर में, मतलब एक भाभी ने भजन रखाए थे, तो वहीं जाना था। और देख सकते हैं शाम की तैयारी मैं करके जा रही हूँ, बैंगन मैंने धुल लिए हैं, प्याज वगैरह पूरी कटिंग करके धुल ली है, साफ कर दी है, और साथ ही साथ ये बर्तन जो दोपहर के, ये मैं पूरा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि वहाँ से लौटते लौटते 6 बज तो बज ही जाएंगे आराम से। तो बस क्या है, खाने की इतनी टेंशन नहीं रहेगी, अगर छोटा मोटा काम करके जाओ आप, तैयारी कर दो। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से बर्तन सारे धुल लूँगी, उसके बाद फिर ये जा रहे थे, जब मैं इनके ऊपर चिल्लाई ना, तो फिर खैर गए, कह रहे थे मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ और तुम जाओ। लेकिन मतलब ये नहीं समझ रहे हैं कि घर में भी इतना सारा काम है, तो चला जाऊँ। उसके बाद ये चले गए थे, तो मेरे पास 5 से 10 मिनट थे, तो मैंने सोचा चलो कुछ कर लूँ। चेहरा ना एकदम से ख़राब हो रहा था, तो मैंने लगभग 1 चम्मच के करीब यहाँ पर बेसन लिया है, थोड़ा सा इसमें डाल दिया शहद, और शहद ना निकल नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया है उसको चम्मच उल्टी तरह से निकाल लिया है, और इसमें लिया है मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल जो कि था पतंजलि का मेरे पास, और बस इसकी मसाज ले लूँगी अच्छे से फेस पे, इसको खूब देर तक, थोड़ा सा लगभग 5 से 8 मिनट तक मैं लग, तो बस इसको चेहरे पर ये रेमेडी आप लगा करके देखे ना, अच्छा मतलब एक ऐसा लगता है ना जैसे स्क्रब अभी अभी किया है, स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है जो कि हमें नुकसान करे हमारी स्किन को, तो एक अच्छा मतलब ग्लो आ जाएगा कहीं पार्टी में या फिर कहीं जाना है तो। मैं तो इसी तरह की चीज़ें लगा लेती हूँ, फेस पे ठीक लगता है थोड़ा सा, और ऐसा नहीं है कि कोई इसके नुकसान हो। तो बस आ गई हूँ मैं, और अभी वही 4:15 के टाइम हो रहा है, 4:10 हो रहे हैं, तो मैं बड़ी स्पीड में तैयार होंगी, क्योंकि 4 बजे बुलाया था और 4:30 बज रहे हैं, तो मैं बस इनका वेट कर रही हूँ कि ये आ जाएं, क्योंकि शिवाय घर पर ही हैं, फिर शिवाय को कौन रखेगा, अकेले हैं शिवाय मतलब। तो बस यहाँ पर निकलती हूँ इनके आने के तुरंत बाद, और ये 4:15-4:30 तक आ ही जाते हैं। तो जो भोले बाबा के भजन है, आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज ना सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला आप सब से बात करने का, और ब्लॉग तो सुबह से स्टार्ट हो गया था, मतलब 11-12 बजे से, और आज शिवाय को 3-4 दिन से इतना ज़्यादा मेरा बेटा बीमार था,
फीवर, मतलब कल तो इतना ज्यादा फीवर था उसको तेज की उल्टा सीधा कुछ भी बक रहा था, तो मैं बड़ी परेशान थी कि इसको कैसे क्या करूं। और कल पूरा दिन यहाँ बारिश हुई कि हॉस्पिटल भी लेके जाना बड़ा मुश्किल ही था। मान लो अपनी स्कूटी पे लेके जाते लेकिन पूरा भीग जाता। कल मतलब कई बार तेज तेज चढ़ा, तेज तेज उतरा, अभी भी देखिए पूरा एकदम पड़ा हुआ है। तो आज गए डॉक्टर को दिखाने, अचानक से डॉक्टर ने बोला कि तुरंत सारी जांचें करनी पड़ेंगी। तो सारी इसकी जांचें आचे तो हो गई हैं और रिपोर्ट भी आ चुकी है, कुछ अगले गुरुवार तक आएगी, तब मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो बस अचानक कहते ना कौन सी मुसीबत कब आ जाए, तो किसी को कुछ नहीं पता, बस यही हो जाता है। और वायरल तो वैसे खैर चल ही रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा वीकनेस वगैरह सब है। बच्चे आपको पता ही है कि छोटा मोटा मतलब तुम सादे बूदे सोचो ना कि कुछ खा पी ले, फल वल खाए, नहीं खाते बड़ा। तो आप सोच रहे होंगे तब तैयार होके कहाँ जा रही हैं, तो आज है मंदिर में भजन जो भाभी मतलब करा रही हैं, तो उन्होंने ही इन्वाइट किया है। तो अभी वही 4 के लगभग टाइम हो रहा है और मैं हो गई हूँ तैयार। तो आज देखिए सिवाय के चक्कर में ना दिन में खाना भी नहीं बनाया, समझ लो इतनी परेशानी। तो जल्दी जल्दी वहां से आया, 2:30 के लगभग आए, सब सब्जी उब्जी ले करके 2 बजे आए, और बस तुरंत फटाक से मैंने खिचड़ी ही चढ़ा दी। तो वैसे भी पेट का प्रॉब्लम चल ही रहा है, तो ये कि खिचड़ी हल्का फुल्का खाओ तो अच्छा रहेगा। और मैंने ये साड़ी पहनी है ग्रीन कलर की, तो बस जल्दी पल्दी करके सब कुछ रेडी होके जा रही हूँ वहां। तो मैं अभी थोड़ा सा वेट कर रही हूँ भाभी का, उनके साथ में ही जाऊंगी। और मैंने ले लिए पैसे क्योंकि आरती में चढ़ाने रहते हैं ना मंदिर में, तो फिर इसलिए पैसे ले लिए हैं और हो गए तैयार। ये सो रहे हैं और काव्या रोहित ट्यूशन गई है, तो ये जाएंगे हस्बैंड जी लेने, घर में है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जाएंगे, मैं आराम से उधर एंजॉय करूंगी भजन में। और पॉसिबल हुआ तो आप सबको भी भजन में ले चलूंगी, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक कर दीजिए, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास हमारे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारी सभी वीडियो को देख सके। तब तक के लिए बाय। तो लीजिए भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। तो आप लोगों ने देखा ही कितने प्यारे प्यारे भजन हो रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे घर के पास में ही मंदिर है और मेरी देखिए कितनी सारी सखी सहेलियाँ मिल गई हैं जो कि आपको ब्लॉग में दिख रही होंगी, और पहले भी आप इन सब लोगों से मिल चुके हैं। और ये आप गाना सुन रहे थे ना कि जो तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ, तो बस उसी पर ना भोले बाबा का सॉन्ग है कि तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी से आई हूँ, इस तरह से। मतलब वो धुन वही है, सिर्फ ये भोले बाबा का बना लिया है और वो कान्हा जी का है। तो भाभी खिला रही थी डॉगी को बिस्किट, तो मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ। अच्छा कर्म है, कहते हैं ना अच्छी चीज़ों को अपने जहन में उतार लेना चाहिए। कहते हैं जितने भी ये जानवर जितने भी पशु पक्षी हैं इनको हमें समय समय पर दाना पानी भोजन देते रहना चाहिए, क्योंकि ना ही इनकी कोई घर गृहस्थी है ना इनके कोई माँ बाप हैं जो इनका पालन करें, तो बस इनको हम सबको खिलाना चाहिए। वैसे भी कहते हैं ना कि काले कुत्ते को तो ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता, गाय को कुत्ते को चिड़िया जितनी है सबको। तो आ गई थी घर और अभी तो अभी बज रहे हैं 6:30। तो यहाँ पर बना दी है पतिदेव की डिमांड पे चाय, तो देखिए चाय बन चुकी है, वरना मैंने चेंज भी नहीं किया, कह रहे हैं चाय का टाइम निकल जाओगे जाएगा तब बनाओगी क्या। और मेरा बेटा देखिए कैसे पढ़ा है, एकदम परेशान सा, एकदम उसको अभी भी ना आराम नहीं है। और बच्चों को ये पढ़ा रहे थे जब मैं आई, और बस मैं अब करती हूँ अपने बेटे को थोड़ा सा प्यार क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कह रहा मम्मी गोदी अब ले लो, मम्मी गोदी ले लो, एकदम दुखी हो रहा है। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी है और अब मैं ना इसको दवा ववा सब दूंगी। दिन में दवा दे रही थी लेकिन 4 घंटे हो गए, तो हर 4 घंटे में दवा देनी है मुझे। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ ही साथ घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ। तो इसी तरह के मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे ब्लॉग आते रहेंगे, तो कभी दुख तो कभी सुख, तो ये तो जीवन में चलता ही रहेगा और इसका सामना करते रहना है।
और बस यहाँ पर पता नहीं ये मुझे कुछ बता रहे थे, और सिवाय ना फिर से जाके लेट गया क्योंकि अभी चाय मैं पी रही थी। तो क्या होता ना, कई बार हिलाते डुलाते हैं ना बच्चे, और आज ना मैं एकदम एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। तो चलिए फिर मिलूँगी आपसे एक प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक